हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। तो देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट, ये क्या होता है? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या है? ये एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में मेनली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। इट हैज मेनली थ्री कंपोनेंट्स, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट्स जो होता है वो क्या होता है? हमारा एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस लाइक सेल और बैटरी। सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस। जैसे कि यहाँ हमने एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस में क्या, लैंप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब ले सकते हैं, और वो सारी अप्लाइंसेस, सारी डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं, ठीक है। और थर्ड जो मेनली कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है? कनेक्टिंग वायर्स। जैसे यहाँ हमने, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें क्या है? एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस है सेल, एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है लैंप, और हमने ये क्या यूज किया है? कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। अब कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ। क्लोज पाथ मीन्स लूप फॉर्म करता हुआ पाथ, और कंटिन्यूस पाथ मीन्स कहीं से भी कोई भी गैप ना हो। अगर कहीं से भी कोई भी गैप हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में भी ओपन, एक होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और एक होता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इज नोन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें से होकर कोई भी करंट फ्लो ना करे। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स करंट क्या है? जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर इसी सर्किट डायग्राम में हमें ये क्या है, ये क्लोज सर्किट है। अगर हमें ओपन सर्किट बनाना है तो हम क्या करेंगे? एक लैंप लेंगे, यूज किया, ये एक सेल है, ये की है, और यहाँ हमने क्या लगा दिया सीरीज में? एमिटर। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या होगा? की, ये क्या है? की है। ये भी क्या है? की है। बट ये कैसा की है? ये क्लोज की है। और ये कैसा की है? ये ओपन की है। ओपन की मतलब स्विच ऑफ मोड। जब घर में हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, है ना। और मीन्स सिंपल ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या? स्विच ऑफ मोड। इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इसलिए ये लैंप हमारा ग्लो नहीं करेगा। जबकि क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इसमें हमने कैसा क्लोज्ड की यूज किया है। ओपन सर्किट में ओपन की यूज किए, क्लोज्ड सर्किट में क्लोज्ड की। ओपन की मतलब स्विच ऑफ मोड और क्लोज्ड की मतलब स्विच ऑन मोड। अब यहाँ पे क्या है? स्विच ऑन है। जैसे ही हम घरों में स्विच ऑन करते हैं, हमारे फैन है, लाइट है, वो क्या होते हैं? लाइक हमें इलेक्ट्रिक बल्ब जलाना है तो हम क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो होने लगता है। तो ये क्लोज्ड की हमने यूज किया है, मतलब क्लोज्ड की मतलब स्विच ऑन मोड है। इस अब जैसे ही की को स्विच, बिकॉज क्लोज्ड की है मतलब स्विच ऑन है, इसलिए क्या है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ ये लैंप क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो करंट फ्लोस, और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस कंटिन्यूअसली। तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एंड इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इज नोन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज सर्किट क्या हो गया? एंड इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस कंटिन्यूअसली इज नोन एज क्लोज सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या? करंट जीरो, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जबकि क्लोज सर्किट में करंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब करंट फ्लो करेगा। अब अगर हम बात करें कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, अब अगर हमें ओपन सर्किट, सॉरी, अगर हमें एक सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है कॉपी में, तो क्या
हम एक एक्चुअल लैंप लें, एक एक्चुअल मीटर लें, एक सेल लें और वायर्स लें और फिर इस तरीके से कॉपी में हम शो करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही टिपिकल होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ऐसा कॉपी में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम ये जो कंपोनेंट्स हैं, सेल हैं, एमिटर हैं, लैंप है, बल्ब है या वायर्स हैं, हम इनको क्या करते हैं, एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कॉपी में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, अ डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स, ठीक है, वेरियस कॉम्पोनेंट्स को उनके सिंबल्स के हेल्प से कॉपी में क्या करना, रिप्रेजेंट करना, दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम। तो जो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम। अब जैसे ये है, ये हमारा क्या है, ये हमने ड्रॉ तो सर्किट किया लेकिन ये है क्या, सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या क्या है, हमने लैंप को, सेल को, ये की है, ये एमिटर है और ये कनेक्टिंग वायर्स है, सबको कॉपी में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारा सेल है, ये हमारा की है, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा लैंप है, हम अदर वेरियस कंपोनेंट्स को देखते हैं कि हम उनको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हम सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं, सम कंपोनेंट्स, कुछ वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम्स में यूज होने वाले कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं, हम उनके सिंबल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल, हम इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस, ठीक है, ये हमारा होता है पॉजिटिव एंड और ये हमारा होता है नेगेटिव एंड। अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अब बैटरी क्या होता है, तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसमें क्या होगा, टू और मोर देन टू सेल्स यूज करेंगे, दिस, बस एक तरफ हम क्या पॉजिटिव शो करेंगे और एक तरफ नेगेटिव। नेक्स्ट प्लग, की और स्विच, तो की को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यू और यू, ठीक है, ये प्लग की और स्विच, ये ओपन कंडीशन है और ये क्लोज्ड में, तो जब ओपन होगा तो इस तरीके से और जब क्लोज होगा तो यू, ठीक है। नेक्स्ट अ वायर ज्वाइंट, ज्वाइनिंग वायर, तो एक वायर यू और ये दूसरा वायर इसको ज्वाइन करता हुआ। नेक्स्ट वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अब ज्वाइन नहीं कर रहा, एक वायर दूसरे वायर को क्या क्रॉस कर रहा है बिना ज्वाइन किए, तो ये क्या करेगा, इधर से जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे शो करेंगे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम शो कर सकते हैं, नेक्स्ट अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इस तरीके से हमें रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर को यूं शो करना, ठीक है। अब क्या बोला, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, लेकिन रेजिस्टर क्या होता है, ठीक है, तो रेजिस्टर होता है अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफर्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि करंट फ्लो को अपोज करता है, लेकिन रेजिस्टर क्या होता है कि, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो भी ऐसा कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लाइक अगर हम मेटलिक वायर ले रहे हैं या कोई भी कंडक्टर ले रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। नेक्स्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ये शो कर सकते हैं, एक एरो लगा दिए ना, या फिर हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं,
ये अब इसमें क्या है, एरो नहीं लगा है तो ये फिक्स रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे एरो लग गया तो अब वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, मतलब हम इसको चेंजेबल हो गया, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। होता क्या है सर्किट में, अगर करंट को चेंज करना है तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या हम बोलते हैं रियोस्टेट यूज करते हैं। वैसे तो हम करंट चेंज करना है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के या घटा के भी करंट चेंज कर सकते हैं, बट रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट इज अ डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू चेंज द रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस चेंज करेगा और इसी वजह से क्या होता है करंट भी चेंज हो जाता है। तो रियोस्टेट का यूज करते हैं कि रियोस्टेट बेसिकली हम यूज करते हैं टू चेंज द करंट इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिकॉज वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। एमीटर क्या होता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू क्या होता है, मेजर द करंट, है ना, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हमें करंट को मेजर करना है सर्किट में तो हम एमीटर यूज करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो वोल्ट मीटर यूज करेंगे, ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही लो होगा, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इवन एक आइडियल वोल्ट मीटर माने तो उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। तो ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स, ठीक है। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मीन्स बैटरी, प्लग की, ये है हमारा ओपन स्विच या ओपन की बोल सकते हैं। इस कंडीशन में सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आपने सर्किट में इस तरीके का की बनाया, इट मींस दैट उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये क्या है हमारा, क्लोज की, मीन्स सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। वायर ज्वाइंट, ये ज्वाइंट नहीं है, क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर आपको ग्लो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, ग्लो कर देंगे जलता हुआ। आगे रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आ, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी। दिस इज एमीटर एंड दिस इज वोल्ट मीटर, ये हो गया रेजिस्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट हो गया, अब आज हमने क्या पढ़ लिया, आज बेसिकली हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट, अगर सर्किट में से करंट होकर सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करता है, है ना। क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सर्किट डायग्राम में क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम जो मेनली वेरियस कॉम्पोनेंट्स हैं उसको हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम। बाकी ये हमने कुछ सिंबल्स पढ़ लिए, कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स के जो कि हम लोग जनरली सर्किट डायग्राम बनाते वक्त यूज करते हैं। इन सिंबल्स का आपको अब आगे बहुत ही ज्यादा जरूरत होने वाली है, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे।